चंद्रशेखर आजाद हैज रीच द NH24 साइट वेयर द प्रोटेस्टर्स आर ब्लॉकिंग पार्शियली ब्लॉकिंग द दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे एंड विल स्पीक टू चंद्रशेखर आजाद अबाउट द डिमांड्स एंड व्हाई एग्जैक्टली द फार्मर्स आर इनफैक्ट प्रोटेस्टिंग. अच्छा चंद्रशेखर, सबसे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे समझना चाहता, ढाई महीने हो गए हैं तकरीबन, तीन महीने से किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब उनको मिलने के लिए बुलाया है, अब बात करने के लिए, तो क्या मंशा आप देखते हैं? देखिए, सरकार को ये समझ आ गया है कि किसान का जो आंदोलन है, जिसको पहले उन्होंने बदनाम करने का या रोकने का, विरोध करने का बड़ा प्रयास किया. मैंने देखा कि हमारी माताएं आ रही थी, हमारे छोटे बच्चे आ रहे थे, हमारी बहनें आ रही थी, हमारे बुजुर्ग थे, ठंडे पानी की बौछारें, कटीले तार लगा दिए गए, बैरिकेडिंग कर दिए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए. अरे वो कोई आतंकवादी थोड़ा, ये इस देश के तौर, इस देश के अंदाता, जो इस देश की रीढ़ है, उनकी वजह से हम सब लोग को रोटी मिलती है. तो उनके साथ ये व्यवहार जो ये बताता है कि सरकार कितनी डरी हुई है किसान आंदोलन से. अब तक वो बात इसलिए नहीं कर रही थी, उनको लग रहा था किसान दिल्ली नहीं आएंगे. किसान दिल्ली नहीं आ सकता क्यों? देश की राजधानी में नहीं आ सकता तो कहाँ जाएगा? ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है ना, सरकार इसको छीनना चाहती है. लेकिन अब उनको लोकतंत्र की जो असली ताकत है, विरोध आंदोलन, वो देखने को मिल रहा है, इसलिए सरकार वार्ता कर रही है. वरना गृहमंत्री तो 3 दिन पहले कह रहे थे कि 3 तारीख को बात करेंगे. अब किसानों का आंदोलन व्यापक हो रहा है और जो लोग, आम लोग थे, उनको समझ आया, क्योंकि हमने समझा लोगों अपने कि सिर्फ किसान नहीं बर्बाद होगा, मजदूर भी बर्बाद होगा, दलित भी बर्बाद होगा, मुसलमान भी बर्बाद, तमाम जो वर्ग हैं जो किसानों के, जैसे लोहार का काम करते हैं, जो किसानों के लिए वो खेती के लिए इक्विपमेंट बनाते हैं, कहाँ जाएंगे? जब सारी पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे?